जिले के जनप्रतिनिधि एक बार ब्रीफिंग चाह रहे थे कि जिले का तैयारी के संबंध में, क्योंकि कई कॉल्स उनके पास भी आ रहे हैं, जनता के समस्या हमारे तक पहुंचना है। इस मीटिंग में हम लोग ब्रीफ किए हैं, जो भी शासनादेश के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी के तहत इंस्ट्रक्शंस के तहत जो जो हमारे तैयारी है उनको ब्रीफ किया है। अभी के लिए संतुष्ट है और कुछ पॉइंट्स उन्होंने नोट करके दिया है जिसमें हम लोगों को और काम करना है, वो नोट कर लिया है। अगले वीक भी उन्होंने कहा एक बार बैठेंगे, जैसे जैसे ब्रीफिंग करना है हम लोग उसको अपडेट करके उनको अपडेट करते रहेंगे। मैम, ये खाद्य सामग्री का बॉक्स बनाया गया, किस तरह के बॉक्स हैं, कैसे कैसे वितरित किए जाएंगे लोग? ये 2017 के जीवो के तहत कुछ राहत आइटम्स हम लोग दे सकते हैं जिन परिवार को ये है। 1 तारीख से राशन बंटना शुरू हो जाएगा, 1 तारीख के बाद हम लोग को इतना समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीच में था ये पीरियड। जो परिवार जिनके पास कुछ साधन नहीं है खाने पीने का, तो उनके लिए सप्लाई करने के लिए ये अभी के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया, ये आगे भी कंटिन्यू होगा। बट हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं सभी जो परिवार छूट गए हैं उनको रेगुलर राशन में अगर ले लेंगे हमेशा के लिए इनका समस्याएं खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो इंडिविजुअल पर्सन जो जहाँ स्टैंडर्ड है, जैसे ड्राइवर है, इस तरह से ढाबा खोल के उनको वहाँ पे भी व्यवस्था, हम लोग राशन दे करके वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन हमारा चल रहा है, इसके अलावा फूड पैकेट्स भी बहुत जन लोग सहयोग कर रहे हैं, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है ताकि किसी को भूख में ना रहे। ये जनता के और भी अपील है, फिर भी क्योंकि कई लोग कर रहे हैं और भी लोग अगर करना चाहते हैं, हमारे जनपद में DFO नोडल है, उसके अधिकारी बनाएंगे, उनसे संपर्क कर लेंगे। तो जिसको और करना है हम लोग एरियाज लिंक कर देंगे, तो उनके आसपास वो कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरीके से और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। खतौली चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए हैं चेकिंग के लिए। हाँ, 5 जगह जहाँ से हमारा बॉर्डर सेंट्री होते हैं, पुरकाजी साइड में, मेरठ साइड में, शामली से जो है, सहारनपुर से, बिजनौर साइड से, 5 जगह हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया है। जो भी लोग इसमें आते हैं इनको एक बार टेस्टिंग करके हम भेज रहे हैं और इनका डेटाबेस बना दे रहे हैं, ताकि प्रधानों को भी बता रहे हैं और नगर एरिया में सभासद और इन लोगों को बता रहे हैं, ताकि उनका ट्रैकिंग हो सकता है। उनको थोड़ा 14 डेज प्रिकॉशनरी मेजर आइसोलेशन में रखने के लिए, होम क्वारंटीन, या बीमार है तो उनको हम अपने फैसिलिटीज में ले रहे हैं। उस जनता से अनुरोध है जो भी बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली 14 मार्च के बाद जो भी अपने यहाँ गाँव में या कहीं आए हैं, इनको थोड़ा 14 डेज क्वारंटीन, खुद सेल्फ आइसोलेशन में रह जाएंगे और परिवार को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। केसेस हमारा निकलना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में कोई कोरोना पॉजिटिव केस है नहीं, बट ये है कि जो बाहर से आ रहे हैं इनको थोड़ा आइसोलेशन में रख के थोड़ा वॉच हो जाएगा। सिम्टम्स नहीं है, 14 डेज तक सिम्टम्स निकलता, यही है, और कोई परेशानी करने की इंटेंशन नहीं है। अगर ये थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रख लेंगे, हमारे जनपद में केसेस निकलना नहीं चाहिए। ठीक, चलो भैया।